पेरिस में FATF की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में पाकिस्तान के भविष्य का फैसला होना है। पाकिस्तान पहले से ही FATF की ग्रे लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा है। खुद को काली सूची में शामिल होने से बचाने के लिए पाकिस्तान लगातार ये दावा करता रहा है कि उसने FATF के मापदंडों पर काम करते हुए कई आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की है। कई आतंकियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया है। आतंकी हाफिज सईद को इन्हीं मापदंडों के तहत गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और अब उसको 11 वर्षों की सजा सुनाई जा चुकी है, जिस पर भी संदेह किया जा रहा है कि हाफिज सईद की गिरफ्तारी पाकिस्तान का मात्र एक ढोंग है। और वहीं ब्लैकलिस्ट में जाने से बचने की छटपटाहट में पाकिस्तान ने दो खूंखार आतंकियों को ही छिपा दिया। पाकिस्तान को FATF की ब्लैकलिस्ट में डालने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मसूद अजहर और आतंकी एहसानुल्लाह एहसान के पाकिस्तान से गायब होने का मुद्दा उठाएगा, लेकिन पाकिस्तान के चार खास दोस्त पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में जाने से बचाने की कोशिश करेंगे। वो है चीन, तुर्की, मलेशिया और सऊदी अरब। चीन की बात करें तो वो हमेशा हर मौके पर पाकिस्तान का साथ देता रहता है। भारत के खिलाफ हर मुद्दे पर पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा रहा है। वजह भी साफ है कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर CPEC कॉरिडोर बना रहा है, जो चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। और अगर पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो चीन का पाकिस्तान के साथ निवेश अधर में लटक जाएगा। और तुर्की की बात करें तो तुर्की ने साफ साफ ये ऐलान किया है कि वो FATF की बैठक में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। तुर्की ने कश्मीर मसले पर भी पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का भी ऐलान किया है। और वही बात मलेशिया की करे तो वो भी पहले से ही कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ टिप्पणी कर चुका है और उसने भी पाकिस्तान का साथ देना अपने हित में समझा। उसके कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़े रहने के बाद भारत ने भी उसको उसकी औकात दिखा दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं FATF की बैठक में उसका पाकिस्तान प्रेम उस पर हावी रहेगा। बात अगर सऊदी अरब की करे तो यहाँ पर पेच थोड़ा फंसा हुआ है और दोनों ही देशों ने आर्थिक तरक्की की तरफ आगे बढ़ने की राह खोली। उसमें सऊदी का पाकिस्तान के साथ देना भारत के गले नहीं उतरने वाला है, लेकिन सऊदी अरब की मजबूरी को भी भारत बखूबी जान रहा है। दरअसल पाकिस्तान में सऊदी अरब का अरबों डॉलर का निवेश है। इसके अलावा अरबों डॉलर का कर्ज सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दे रखा है। पाकिस्तान को काली सूची में डाले जाने के बाद इस कर्ज और निवेश के वापस आने की उम्मीद लगभग ना के बराबर ही रह जाएंगे। तो अब भारत के लिए पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवाना एक चुनौती जैसा भी है। हालांकि दुनिया के हर एक देश ने भारत को समर्थन दे रखा है और पूरी दुनिया समेत FATF भी पाकिस्तान की आतंक परिस्थिति को जानती है। अब देखना ये होगा कि क्या FATF का फैसला पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट तक पहुंचाता है या फिर वो ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा।